हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। देखिए, कुछ दिन पहले रात के 8:30 के शो में एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने बताया था कि म्यूचुअल फंड हाउस कौन से ऐसे 10 माइक्रो कैप स्टॉक हैं जिसमें अपनी पोजीशन को धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं इस गिरावट की भी मार्केट में। तो क्या अच्छा है क्या बुरा है, तो आप लोगों ने कहा था कि उसकी डिटेल वीडियो बनाइए, उस 10 स्टॉक के बारे में भी दोस्ती कराइए और किस तरीके से माइक्रो कैप स्टॉक क्या होता है, किस तरीके से, क्योंकि इन चीज़ों को रिस्की भी देखा जाता है। तो रिस्की होने के बाद भी म्यूचुअल फंड वाले क्यों इसके साथ एक्स्ट्रा दोस्ती कर रहे हैं, इसको क्यों ले रहे हैं, क्योंकि इससे पहले भी और बार बार मार्केट की गिरावट के समय म्यूचुअल फंड हाउस ऐसे माइक्रो कैप में पैसा लगाकर काफ़ी मोटा पैसा कमाते हैं। तो क्या है कहानी, इन सब को हम आज की वीडियो में देखने वाले हैं, यानी बहुत ही लर्निंग और अर्निंग का बेहतरीन संगम होने वाला है। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोग हों चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन हिट करें, रात के 8:30 का शो कभी मिस ना करें। जहां देते हैं कुछ ट्रेड आप कमा सकेंगे और स्टॉक मार्केट की किसी भी ब्रेकिंग न्यूज के लिए ट्विटर और टेलीग्राम से जुड़ जाइए। सारी ब्रेकिंग न्यूज सबसे पहले सिर्फ आपके पास रहेगी, लाखों लोग जुड़कर इसका फायदा ले रहे हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, किसी फर्जी लिंक से ना जुड़ जाइएगा। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि ये माइक्रो कैप स्टॉक होते क्या हैं। तो जिन कंपनियों का जो मार्केट कैप है ना 4,000 करोड़ से कम होता है, उन्हें माइक्रो कैप स्टॉक बोला जाता है। और ऐसे स्टॉक की एक खासियत है कि इनमें वोलेटिलिटी कूट कूट के भरी होती है और ये रातों रात आपको करोड़पति भी बना सकते हैं और रोडपति भी। इसलिए जब भी माइक्रो कैप में इन्वेस्ट करें तो रिसर्च जबरदस्त करें। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि ये होता क्या है। अब चलिए चलते हैं उन स्टॉक पर वन बाय वन और उन स्टॉक की अच्छी बुरी सब चीजों को जानते हैं। पहला नाम है गोकुलदास एक्सपोर्ट लिमिटेड। ये कंपनी मेंस, वुमेन्स और बच्चों के लिए हर तरह के ड्रेस मैन्युफैक्चर और डिजाइन करती है। साथ ही साथ कंपनी कई इंटरनेशनल फैशन ब्रांड के लिए प्रोडक्ट भी मैन्युफैक्चर करती है। कंपनी के पास कुल 20 प्रोडक्शन यूनिट है जिनमें से 13,000 से ज़्यादा मशीनें हैं, लगभग 24,000 एम्प्लॉई हैं। हर साल 30 मिलियन गारमेंट्स प्रोड्यूस करते हैं। इस प्रोडक्ट में स्पोर्ट्स वेयर, विंटर वेयर जी हाँ, ठंड में 50% है, वो भी कैजुअल वियर में 36%, बॉटम वियर में 14%। अगर रेवेन्यू ब्रेकअप की बात करें तो मेंस वियर से 49%, वुमेन्स वियर से 41%, किड्स वियर से 10% का रेवेन्यू आता है। अब कस्टमर बेस जान लीजिए, नॉर्थ अमेरिका 64%, यूरोप 13%, एशिया 22%, रेस्ट 1%। अब आते हैं इनके फाइनेंशियल पर। इनका नेट प्रॉफिट 2019 में प्रॉफिट हुआ क्योंकि 2018 लॉस था, 2020 में इंक्रीज हुआ, 2021 में थोड़ा डाउन हुआ है। और अगर आप इनके नज़र डालोगे टोटल रेवेन्यू पे तो वो भी इंक्रीज मोड में है, 2021 में सिर्फ गिरावट आई है। वहाँ पर प्रमोटर ने अपनी हिस्सेदारी 32.72% से घटाकर 24.12% कर ली है। वहीं पर म्यूचुअल फंड ने अपनी होल्डिंग्स को बढ़ाया है और ये एक इंटरेस्टिंग डेटा है कि एक समय में इसमें म्यूचुअल फंड की होल्डिंग 3% के पास थी जो आज के डेट में 24% के पास हो गई है। जी हाँ, उसके बाद अगर इनके फ्री कैश फ्लो के पे भी नज़र डालोगे तो एक अच्छा फ्री कैश फ्लो इनके पास है। म्यूचुअल फंड की तरफ से कुल इन्वेस्टमेंट इस स्टॉक में 403 करोड़ का है और इस कंपनी पर टोटल डेट 543 करोड़ का है। तो ये था स्टॉक का मोटा मोटा जानकारी, जहां पर म्यूचुअल फंड काफी दबा के इसमें पोजीशन बना रखे हैं। अब आते हैं दूसरे स्टॉक पे, इंजरसॉल रेंट इंडिया लिमिटेड। ये कमर्शियल एयर कंप्रेशर मैन्युफैक्चरिंग और सेलिंग का काम करती है, साथ ही साथ कंपनी एयर कंप्रेशर इंस्टॉलेशन और मेंटेनेंस जैसी सर्विसेज भी अपने कंज्यूमर को ऑफर करती है। इनके एयर कंप्रेशर का यूज एरोस्पेस, केमिकल प्लास्टिक एंड रबर,
कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेमीकंडक्टर्स, इन्वायरमेंटल, फूड एंड बेवरेज जैसे इंडस्ट्री में खूब होता है। कंपनी अपने प्रोडक्ट को कई ब्रांड नाम से सेल करती है, जैसे नेस, कॉम्पेयर, इंगरसॉल रेंट, थॉमस, मिल्टन रॉय जैसे कई नाम हैं। अब रेवेन्यू ब्रेकअप की बात करें तो एयर कॉम्प्रेशर की सेलिंग से 92% का रेवेन्यू आता है और 8% का रेवेन्यू सर्विसेज से आता है। वहाँ पर डोमेस्टिक मार्केट से इन्हें 76% और एक्सपोर्ट यानी विदेशी मार्केट से 24% का रेवेन्यू जनरेट होता है। अगर इस कंपनी पर डेट की बात करें तो 7.35 करोड़ का डेट है, और अगर इनके नेट इनकम पे गौर करोगे तो नेट इनकम 2018 में अच्छा था, 2019 में थोड़ा डीप आया, 2020 में अगेन बढ़ा, 2021 में अगेन डीप आया, यानी मोटा मोटा ऊपर नीचे थोड़ा बहुत चल रहा है, मेजर चेंज नहीं है। वहीं पर इनके पास फ्री कैश फ्लो भी है, ये भी एक अच्छी चीज़ है। वहाँ पर म्यूचुअल फंड वाले अपनी पोजीशन को इसमें होल्ड किए हुए हैं, म्यूचुअल फंड की तरफ से 180 करोड़ रुपए का इन्वेस्ट किया गया है, कई सारे म्यूचुअल फंड हाउस इसमें पोजीशन बना के बैठे हैं। नेक्स्ट स्टॉक है मिंडा कॉरपोरेशन लिमिटेड, देश की लीडिंग ऑटोमोटिव कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। मिंडा ग्रुप की एक फ्लैगशिप कंपनी है, देश के बाहर भी बिजनेस करते हैं। करंटली मिंडा ग्रुप की दो कंपनियां लिस्टेड हैं, एक है मिंडा इंडस्ट्री, दूसरा है मिंडा कॉर्प, और मिंडा इंडस्ट्री मेरी फेवरेट, आपको पता ही होगा। इनके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो काफ़ी डाइवर्सिफाइड है, इनके प्रोडक्ट रेंज में इग्निशन स्विच, कम स्टीयरिंग लॉक्स, स्मार्ट की सिस्टम, मेकाट्रॉनिक्स हैंडल्स, इमोलाइजर सिस्टम, एल्युमिनियम हाई प्रेशर डाई कास्टिंग, कंप्रेशर हाउसिंग, स्पीडोमीटर, वायरिंग हार्नेस, स्टर्लिंग रॉल कनेक्टर एंड जंक्शन बॉक्स सेंसर, इनोवेटिव टेक सॉल्यूशन, आईओटी सॉल्यूशन और भी न जाने क्या क्या। क्लाइंट की बात करें, अशोक लेलैंड, बजाज ऑटो, हीरो मोटोकॉर्प, होंडा मोटरसाइकिल, स्कूटर इंडिया, हुंडई, महिंद्रा एंड महिंद्रा, मारुति सुजुकी, टीवीएस मोटर, टाटा मोटर, लंबी लिस्ट है, यानी नाम सारे टॉप मोस्ट। अब यहाँ पर रेवेन्यू ब्रेकअप की बात करें तो मेकाट्रॉनिक्स एंड आफ्टर मार्केट से 58% का, इंफॉर्मेशन एंड कनेक्ट सिस्टम से 42% का रेवेन्यू आता है, लोकेशन वाइज इंडिया से 86%, यूरोप एंड अमेरिका से 9%, साउथ ईस्ट एशिया से 5% की रेवेन्यू आती है। यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़ की बात करें तो कंपनी ऑपरेट करती है 30 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी अक्रॉस इंडिया। यहाँ पर अगर कंपनी पे डेट की बात करें तो 502 करोड़ का डेट है। नेट इनकम इनका 2020 में लॉस में आया था, लेकिन 2021 में सीधा ये प्रॉफिट में भी आए हैं और आगे बहुत अच्छा परफॉर्म करने की बात है। वहाँ पर फ्री कैश फ्लो इनका 2021 में निगेटिव में आ चुका है। यहाँ पर म्यूचुअल फंड हाउस कभी इसमें अपनी पोजीशन को बढ़ाते हैं, कभी घटाते हैं, बट अभी 134 करोड़ का इनका कुल इन्वेस्टमेंट है, कई सारे म्यूचुअल फंड हाउसों ने इन्हें लिया हुआ है, उनके पोर्टफोलियो में है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टॉक की तरफ, डीसीबी बैंक लिमिटेड, एक प्राइवेट कमर्शियल बैंक है। 1995 को कमर्शियल बैंक का लाइसेंस इन्हें मिला था। यहाँ पर ईटेल, माइक्रो एसएमई, एसएमई, मीड कॉर्पोरेट, एग्रीकल्चर, कमोडिटी, गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर, इंडियन बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज यानी जिसे एनबीएफसी कहा जाता है आदि शामिल हैं। यहाँ पर इनके पास 10 लाख कस्टमर हैं और अभी बैंक के टोटल 344 ब्रांच हैं, और वहाँ पर उम्मीद ये है कि फाइनेंशियल ईयर 2021 के एंड तक ये बढ़कर 359 हो जाएगा। यहाँ पर अगर इनके डेट की बात करें तो डेट इनके ऊपर 34,186 करोड़ का है। नेट इनकम इनका लगातार इंप्रूव हुआ है, 2020-21 में नेक टू नेक ही मामूली सा अंतर है। वहाँ पर फ्री कैश फ्लो 2021 में बहुत ही ज़्यादा निगेटिव में है। वहाँ पर म्यूचुअल फंड हाउस 27.36% की इसमें होल्ड करते हैं और टोटल 730 करोड़ का इसमें इन्वेस्ट किया गया है। काफ़ी सारे म्यूचुअल फंड हाउसेस में अपनी पोजीशन को बना के बैठे हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट हैथवे केबल एंड डेटाकॉम लिमिटेड शेयर के बारे में। पहले इसे पता है क्या जाना जाता था, BITV केबल नेटवर्क के नाम से जाना जाता था, हेड ऑफिस मुंबई में है। ये इंटरनेट यूजिंग CATV नेटवर्क करने वाली देश की पहली कंपनी है। 2007 में कंपनी ने भूपेंद्र भास्कर मल्टीनेट के 51% स्टेक को एक्वायर किया
और 50% को भी इसी साल कंपनी ने एक्वायर कर लिया। इसके बाद 2011 में कंपनी ने वेस्ट बंगाल में अपना ऑपरेशन शुरू किया और इसके लिए कंपनी ने कोलकाता केबल एंड ब्रॉडबैंड पेरी सेवा लिमिटेड को अपनी सब्सिडरी बनाई। यहाँ पर कस्टमर बेस की बात करें तो तकरीबन 11 मिलियन सब्सक्राइबर हैं और लगभग 4.5 लाख यूज़र के ब्रॉडबैंड सर्विस यूज़ कर रहे हैं इनके यूज़र। कंपनी के रेवेन्यू मॉडल की बात करें तो केबल टीवी से 65% का रेवेन्यू, ब्रॉडबैंड बिजनेस से 35% का कंपनी रेवेन्यू जनरेट करती है। अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग ये है कि 2018 में रिलायंस ने इस कंपनी के लगभग 51.3% स्टेक को 2,946 करोड़ में एक्वायर किया। मार्च 2019 में कंपनी ने फिर इसके 20.61% को एक्वायर किया, यानी रिलायंस के पास कंपनी का लगभग 72% का स्टेक है। कंपनी डेट फ्री है मेरे दोस्त। वहां पर नेट इनकम जबरदस्त डबल होता जा रहा है 2020 और 21 के बाद। वहां पर फ्री कैश फ्लो भी कंपनी के पास है, यानी एक अच्छी उम्मीद जताई जा रही है शेयर से आने वाले वक्त में, जहां पर म्यूचुअल फंड की तरफ से 182 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट है और इसको आप नजर पे अच्छे से रख सकते हैं। आपकी क्या उम्मीद है इस शेयर से? काफी लोगों को इस शेयर से प्यार है, कमेंट बॉक्स में बताइए तो जरूर। नेक्स्ट शेयर है पीटीसी इंडिया लिमिटेड। पीटीसी इंडिया लिमिटेड मेजरली पावर ट्रेडिंग सॉल्यूशन, क्रॉस बॉर्डर पावर ट्रेडिंग एंड कंसल्टेंसी के बिजनेस में इन्वॉल्व है। कंपनी का नाम पावर ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड था। देश के अलावा नेपाल, भूटान, बांग्लादेश में भी कंपनी ऑपरेट करती है। 2019 की एक रिपोर्ट के मुताबिक पीटीसी एनर्जी मध्य प्रदेश, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश में लगभग 290 मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी पोर्टफोलियो को मैनेज करती है। और वहां पर अगर आप इनके फाइनेंशियल पे आएंगे तो डेट 9,431 करोड़ का है। नेट इनकम इनका इम्प्रूवमेंट में है, 2020 में थोड़ा डीप आया था बट ओवरऑल इम्प्रूवमेंट में है। फ्री कैश फ्लो इनके पास अच्छा है। वहाँ पर शेयर होल्डिंग में अगर आप देखेंगे तो म्यूचुअल फंड की तरफ से 130 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया गया है, बट शुरू में म्यूचुअल फंड जितनी अपनी पोजीशन को बना के रखते थे, फिलहाल उतनी पोजीशन यहाँ पर नहीं है। वो एक इंटरेस्टिंग सा फैक्टर है। अभी तक हमने कितनी डेट फ्री कंपनी देखी है इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये एक बिग लर्निंग की पॉइंट है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट स्टॉक, जिसका नाम है अरविंद लिमिटेड। अरविंद लिमिटेड एक टेक्सटाइल कंपनी है जो 80 ईयर्स से टेक्सटाइल मार्केट में है। कंपनी की गिनती दुनिया के लार्जेस्ट डेनिम मैन्युफैक्चरर की लिस्ट में होती है और इनके प्रोडक्ट में कॉटन शर्टिंग, डेनिम निट्स, बॉटम वेट यानी खाकी फैब्रिक, जींस, शर्ट गारमेंट जैसी चीज़ें शामिल हैं। कंपनी की टोटल 9 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, जिसमें सालाना 34 मिलियन पीसेस टू 42 मिलियन पीसेस प्रोड्यूस किए जाते हैं। अगर रेवेन्यू ब्रेकअप की बात करें तो टेक्सटाइल बिजनेस से 84% का रेवेन्यू, एडवांस मटेरियल सेगमेंट से 10% का और 6% वाटर ट्रीटमेंट, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, ई कॉमर्स से आता है। अगर लोकेशन वाइज आप बांटेंगे तो इंडिया से 56% का और अदर कंट्री से 44% का आता है, जिसमें यूएसए और यूएस मेन हैं। अब यहाँ पर अगर इनके डेट की बात करें तो यहाँ पर डेट में आप पाओगे कि 2,081 करोड़ का डेट है। नेट इनकम इनका लगातार गिरते हुए 2021 में ये लॉस में आके खड़े हो चुके हैं। फ्री कैश फ्लो इनके पास सही है बट 2019 में काफ़ी ज़्यादा था। वहाँ पर अगर आप इनके म्यूचुअल फंड वालों को देखोगे तो म्यूचुअल फंड ने काफ़ी दबा के अपनी पोजीशन को यहाँ बढ़ाया है और 301 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट भी है। लॉस ज़्यादा है लेकिन पोजीशन ज़्यादा बढ़ाया है, और जहाँ पे लॉस नहीं है वहाँ पे पोजीशन ज़्यादा नहीं बढ़ाया है। ये है एक बड़ा ही म्यूचुअल फंड का इंटरेस्टिंग पोजीशन लेने का तरीका, क्योंकि ऐसे स्टॉक में वो लेकर सोते नहीं हैं, लेते हैं, माल बनता है, काट के निकल जाते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट स्टॉक है किर्लोस्कर न्यूमेटिक कंपनी लिमिटेड। 1958 में शुरू हुई थी, पुणे की किर्लोस्कर ग्रुप की सब्सिडरी कंपनी है। यहाँ पर कंपनी कंप्रेशन और ट्रांसमिशन सेगमेंट से रिलेटेड प्रोडक्ट बनाती है, जो ऑयल एंड गैस, स्टील, सीमेंट, फूड, बेवरेज, रेलवे, मैराइन जैसे सेक्टर में यूज़ होती है। अगर हम रेवेन्यू ब्रेकअप करें तो कंप्रेशन सेगमेंट से 96%, ट्रांसमिशन सेगमेंट से 4% और फाइनेंशियल पे आएं तो इनके ऊपर डेट 32.5% का है। नेट इनकम लगातार इंप्रूव है, फाइनेंशियल 2020 में मामूली सा डिप था। अगर कैश फ्लो देखेंगे तो नेगेटिव था लेकिन 2021 में पॉजिटिव में है।
अगर इनके शेयर होल्डिंग पे देखेंगे तो म्यूचुअल फंड 462 करोड़ का इन्वेस्ट किया है मेरे दोस्त। नाइन्थ स्टॉक है फोर्स मोटर लिमिटेड, 1958 में शुरू हुई थी, अभय फिरोदिया ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी में काउंट होती है। कंपनी स्मॉल एंड लाइट सीवीज, मल्टी यूटिलिटी व्हीकल, एग्रीकल्चर ट्रैक्टर मैन्युफैक्चर करती है, जो मिडिल ईस्ट, एशिया, लैटिन अमेरिका, अफ्रीका जैसे देश में सप्लाई करती है। कंपनी को 2005 तक बजाज टेम्पो के नाम से जाना जाता था। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो लाइट कमर्शियल व्हीकल और यूटिलिटी व्हीकल से 56% का रेवेन्यू आता है, और अगर इंजन सेगमेंट की तरफ ध्यान दें तो 28% का रेवेन्यू आता है। अगर मार्केट शेयर पे देखें तो LCV यानी पैसेंजर सेगमेंट में, लाइट कमर्शियल व्हीकल का पैसेंजर सेगमेंट, वहाँ पर 37.9% का मार्केट शेयर है। वहीं पर LCV में देखें जो स्कूल और एम्बुलेंस सेगमेंट का है, तो वहाँ पर ग्रेटर देन 70% का मार्केट शेयर है, जो एक बहुत ही ध्यान देने वाली बात है। और डेट देखेंगे 839 करोड़ का डेट है। नेट इनकम देखेंगे घटते घटते 2021 में सीधा लॉस में आ गया, और फ्री कैश फ्लो देखेंगे 2021 में और भी मेजर लॉस में है। और अगेन एक इंटरेस्टिंग सा डेटा, म्यूचुअल फंड लगातार अपनी पोजीशन को बढ़ा रहे हैं, यानी लॉस बढ़ रहा है और पोजीशन को बढ़ा रहे हैं। रीज़न अभी आपको बताया था क्या, ये पोजीशन को बना के नहीं रखते ऐसे शेयर में, बस मौका और चौका। अब आते हैं नेक्स्ट, करुण वैश्य बैंक लिमिटेड, एक शेड्यूल कमर्शियल बैंक है, हेडक्वार्टर तमिलनाडु के करूर में है, 1960 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। मुख्य रूप से ट्रेजरी, कॉर्पोरेट, होलसेल बैंकिंग, रिटेल बैंकिंग सेगमेंट में काम करती है। 779 ब्रांचेस हैं, 1659 ATM का नेटवर्क है, 565 कैश डिपॉजिट मशीन है। वहाँ पर अगर डेट देखेंगे तो 65,807 करोड़ का डेट है। नेट इनकम इनका लगातार इंप्रूव हुआ है 2019 के बाद से। वहाँ पर अगर फ्री कैश फ्लो पे नज़र देंगे तो डेफिनेटली फ्री कैश फ्लो 2020 में आया, 2021 में आया, और अगर इनके म्यूचुअल फंड ने अपनी पोजीशन को देखेंगे तो मेंटेन करके रखा है और 403 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है। यहाँ पर मेरा सवाल ये है कि 10 कंपनियों को तो आपने देखा, बट 10 कंपनी में कौन सी ऐसी कंपनी थी जो डेट फ्री थी इन 10 में, वो कमेंट बॉक्स में बताएं। और कंपनी से दोस्ती कैसी लगी, अगर प्यारी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करें, सोशल मीडिया पे शेयर करें मेरे दोस्त, जिससे सब लोग सीखें, सब लोग जानें, सब कमाएं और सबकी दुआएं सब लोग तक पहुंचे। थैंक यू सो मच।